नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। जनपद अमरोहा के जिलाधिकारी बाल कृष्ण त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे ने नगर निकाय निर्वाचन 2023 को लेकर पोलिंग पार्टी रवानी स्थल नामांकन मतगणना मतदान कराए जाने संबंधी स्थल जिसमें तहसील नौगावा के राम किसान इंटर कॉलेज, नगर पंचायत कार्यालय नौगावा सादात, फातिमा इंटर कॉलेज, मदरसा जमीयतुल प्राथमिक विद्यालय, SM इंटर कॉलेज नौगावा सादात के बूथों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नौगावा सादात को सभी स्थलों की रंगाई पुताई, फर्नीचर, खिड़की, दरवाजा, रैंप, पंखे, साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं समय से कराए जाने के निर्देश दिए और कहा कि सभी बूथों पर विकलांग मतदाताओं को आवागमन में कोई समस्या ना हो, लोगों को चढ़ने उतरने के लिए रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार नामांकन के लिए अध्यक्ष और सदस्य के लिए आने जाने की अलग अलग व्यवस्था हो तथा आवश्यक जगहों पर बैरिकेडिंग भी लगाई जाए। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी नौगावा सादात को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी बूथ मॉडल होने चाहिए। मॉडल के लिए निर्वाचन आयोग के जो निर्देश है वह बूथ पर दिखने चाहिए। आप स्वयं सभी बूथों का एक एक करके स्थलीय निरीक्षण कर ले और जहां पर भी अव्यवस्था हो वहां पर आवश्यक कार्रवाई कर ली जाए और समय से हो जाए। मॉडल बूथ बनने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी नौगावा सादात, क्षेत्राधिकारी नौगावा, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नौगावा सादात सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और इसी के साथ देखते रहे अमरोहा की आवाज़।